गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, देन ओनली यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिमोलिशन स्क्वाड। ये एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल छपा है जिसको हम बिल्कुल माइन्यूट डिटेल भी देखेंगे। माइन्यूट होता है बिल्कुल छोटी, माइन्यूट डिटेल भी देखेंगे and that could be beneficial for your exam perspective and for your spoken English. तो आपको ये जानना होगा कि PDF अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं द UPSC फोरम टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF मिल जाती है। अगर आप इस चैनल को नहीं फाइंड कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको अनदर जो है चैनल प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे आप बहुत सारे न्यूज़पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं और प्लीज शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लाइक कर देंगे तो मेरा वीडियो डेफिनेटली प्रमोट होगा विद यू गाइज हेल्प, मतलब आपकी हेल्प से होगा, तो प्लीज ये हेल्प कीजिए। तो डिमोलिशन होता है बिल्कुल किसी चीज को तोड़ देना, डिमोलिशन कर देना, स्क्वाड। तो आपको पता है बुलडोजर कंसेप्ट चला था तो यूपी में, तो सेम ऐसे ही उसके बारे में बात हो रही है कुछ। तो यहाँ पे बात हो रही है डिमोलिशन स्क्वाड, डिमोलिशन जो तबाह करते हैं, विनाश करते हैं, एनहीलेशन भी बोल सकते हैं, विनाश एनहीलेशन, ये इसके साइनोनिम्स होते हैं। स्क्वाड, स्क्वाड मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। कोर्ट्स कैन नॉट बी ओब्लिवियस, ओब्लिवियस होता है मतलब नॉट कंसर्न, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब ही नहीं है किसी चीज से। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता करना, नॉट कंसर्न मतलब किसी भी चीज की चिंता नहीं करना, ओब्लिवियस बिल्कुल अज्ञानी टाइप में। तो कोर्ट्स कैन नॉट बी ओब्लिवियस टू द कॉम्युनल सिम्बोलिज्म ऑफ द बुलडोजर। कॉम्युनल रिलेटेड टू दी कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी पर्टिकुलर धर्म से, कम्युनिटी से, समुदाय से, सिंबोलिज्म एक संकेत ऑफ दी बुलडोजर। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कोर्ट्स इस चीज से मतलब बिल्कुल अज्ञान ही नहीं दे सकते कि ये कम्युनल सिंबोलिज्म है, बुलडोजर जो कंसेप्ट चला हुआ है। इन यहाँ पे आ जाएगा इन रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द लीगेलिटी, किसके रेजिंग क्वेश्चन, या कह सकते हैं फ्लैगिंग भी होता है, फ्लैगिंग भी यूज हो सकता है इसकी जगह, कि जो रेज कंसर्न चिंता उठा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है अबाउट द लीगेलिटी, वैधता, कि क्या इसकी कानूनी वैलिडिटी है ऑफ द डिमोलिशन ऑफ द हाउसेस बिलोंगिंग टू द एलिज्ड ऑफेंडर। एलिज्ड मतलब जिस पे आरोप लगे हैं, बिलोंगिंग टू उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिन पे आरोप लगे हैं, ऑफेंडर्स उल्लंघन करने वाले। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड होता है अच्छे से एक्सप्लेन करना ऑफिशियली तौर से, बिल्कुल ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल को, मिन्यूशियर डिटेल को एक्सप्लेन करना। तो यह कह रहे हैं अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है वैलिड एंड वाइड स्प्रेड कंसर्न, वैलिड और वाइड स्प्रेड बहुत फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड पूरे इंडिया में फैला हुआ है कंसर्न चिंता अबाउट द यूज ऑफ बुलडोजर, किसके लिए बुलडोजर का यूज हो रहा है, एज ए फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन होता है बदला लेना, बोलते हैं ना कि मैं अपना इस चीज का बदला लूंगा, बदला लेगा फैजल, तो रेट्रीब्यूशन। द टारगेटेड डिमोलिशन, टारगेटेड मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है डिमोलिशन, तबाह करना ऑफ मुस्लिम हाउसेज हैज बिकम ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस मॉडल इन बीजेपी रूल स्टेट। तो गवर्नेंस मॉडल का ये रूलिंग करने का एक मॉडल तरीका बन गया है बीजेपी रूल स्टेट में, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड डू नॉट कैरी लाइक और डू नॉट अटैच ऑल दिस सेंटिमेंट्स अलोंग विद मी, तो ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इंग्लिश पर्सपेक्टिव से और अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जानते हैं। इफ द कोर्ट कैन एंड द इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी होता है एग्जम्पशन, मतलब किसी को इम्यूनिटी दे देते हैं, इम्प्यूनिटी माफ कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं कि आप ये नहीं करना होगा, विद विच एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स, एक्स्ट्रा वो लीगल जो कानूनी मेजर्स हैं, तरीके हैं, आर यूज्ड बाय इन पावर। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि भाई कोर्ट भी जो इट द कोर्ट कैन एंड, तो कोर्ट ये क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोर्ट कैन एंड, कोर्ट समाप्त कर सकता है इम्प्यूनिटी को जो इनको क्षमा दी हुई है, विद विच एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स, एक्स्ट्रा कानूनी जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, यूज बाय द इन पावर, जो कि यूज किए जा रहे हैं जो पावर में है। इट वुड बी ए होलसम इंटरवेंशन, होलसम पूरा, ओवरऑल पूरा होलसम इंटरवेंशन हस्तक्षेप होगा, एज जस्टिस बी आर गवई हेडिंग ए डिवीजन बेंच। तो जस्टिस जो बी आर गवई थे वो हेड कर रहे थे डिवीजन बेंच विद जस्टिस के वी विश्वनाथ, किसके साथ, के वी विश्वनाथ साथ के साथ, रिमार्क उन्होंने कंटैक्ट किए, मतलब व्यंग्य किया कि द लॉ इंडीड रियली में डज नॉट परमिट एनीवन होम टू बी डिमोलिश। तो कानून किसी को यह नहीं चाहता कि भाई किसी का भी होम टू बी डिमोलिश, मतलब यह होता है कि जिसे तबाह न किया जाए किसी के द्वारा, जस्ट बिकॉज क्योंकि दे आर अक्यूज इन केस, उन पे आरोप लगे हैं किसी केस में, इट कैन नॉट हैपन इवन इन द केस ऑफ ए कन्विक्ट, ये तब भी नहीं हो सकता, कन्विक्ट मतलब उसको ऑफिशियली सजा सुनाई जाए, तब भी नहीं हो सकता। द जुडिशरी कैन नॉट बी ओब्लिवियस, जुडिशरी बिल्कुल
अनिभिज्ञ नहीं हो सकते बिना मतलब अवेयरनेस के, नहीं रह सकते. ऑफ द पॉलिटिकल सिंबोलिज्म, जो राजनीतिक एक संकेत है, दैट बुलडोजर्स हैज एक्वायर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन दोज अथॉरिटीज लेबल एज प्रायटर्स. तो उन्होंने कहा कि उनको एक्वायर किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव, ऐसा साधन कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव पनिशमेंट देने के लिए. इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड होता है किसी पे पनिशमेंट डालना, इम्पोज करना, ऑन दोज अथॉरिटीज लेबल एज राइटर. अथॉरिटीज ने, जो कानून ने, उनको राइटर बोला है कि ये दंगे फैलाते हैं. देर आर इंस्टांसिस, बहुत सारे ऐसे मौके हुए हैं, ऑफ दी हाउसेस ऑफ नेम्ड सस्पेक्ट्स बीइंग डिमोलिश. जो सस्पेक्ट्स है ना बंदे, उनके भी घर बीइंग डिमोलिश, मतलब किसी के द्वारा किए गए, पैसिव फॉर्म है, बीइंग डिमोलिश, उनके तबाह किए गए हैं विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट, बिना मतलब फर्क पड़े. रिगार्ड मतलब उसके चीज को कंसर्न लिए हुए, बिना चिंता के. ऑफ द फैक्ट दैट, फैक्ट मतलब तथ्य है, दैट रेस्ट ऑफ द फैमिली में हैव नोथिंग टू डू विद द ऑफेंस. तो रेस्ट ऑफ द फैमिली ने कुछ भी नहीं किया वो मैन ऑफेंस से, बट वो सस्पेक्ट है तो उसका घर डिमोलिश कर दिया. हाउएवर, कंसिडरिंग द लोकल लॉज, जो लोकल कानून है, डू नॉट परमिट रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट. तो कंसिडर करते हैं ना, अगर लोकल कानून को वो परमिट नहीं करते हैं हटाने के लिए, एनक्रोचमेंट जो होती है घुसपैठ एंड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, बिना ऑथोरिटी के कंस्ट्रक्शन बना देना कुछ, द बेंच हैज आर्टिकुलेटेड. तो ये जस्टिस ने कहा, बेंच जो, बेंच क्या, ग्रुप ऑफ जजेस, इन्होंने आर्टिकुलेटेड एक्सप्लेन किया इट्स इंटेंशन, ध्येय जो होता है, उद्देश्य, टू ले डाउन यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, आगे रख देना मतलब सबके सामने कि यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होंगे, एक तरह गाइडलाइन ऑन ए पैन इंडिया, पूरे इंडिया लेवल पर बेसिस, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर ऑफ फॉर एक्शन सच एज स्ट्रक्चर. तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं अनऑथराइज, तो उनके लिए कोई पैन इंडिया पे, पूरे इंडिया में एक स्ट्रीमलाइन कर दो, मतलब एक साफ साफ क्लियर जो है फेयरनेस लेके आ जाओ प्रोसीजर में, तरीके में, फॉर एक्शन अगेंस्ट सच स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए उनके. ऑब्जर्वेशन बाई जस्टिस विश्वनाथन इंडिकेट इट, इशारा करता है कि दैट दिस मे इन्वॉल्व द मैनर, इनमें इन्वॉल्व हो सकता है कि तरीका, इन विच अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड. पहले उनको आइडेंटिफाई करो, नोटिस इश्यू करो दो दोज कंसर्न जिनके हुए हैं, एंड फेयर हियरिंग वो फिर गिवन टू दी बिफोर एनी एक्शन. तो उनकी बातें सुनो बिना एक्शन, एक्शन से पहले. इट इज हेयर द कोर्ट शुड ट्रेड केयरफुली. ट्रेड मतलब चलना, ट्रेडमिल होती है ना जिम में, ट्रेडमिल, मिल होता है मशीन, ट्रेड चलने वाली मशीन. तो ये कहते हैं कि हेयर इज दैट कोर्ट शुड ट्रेड केयरफुली, कोर्ट को अच्छे से चलना चाहिए, केयरफुली, सावधानी से. लेइंग डाउन, रखना ऑफ गाइडलाइंस, शुड नॉट सेंड आउट ए मैसेज. तो गाइडलाइन रखती है वो, ऐसे मैसेज नहीं देना चाहिए कि ऑब्वियस कोरिलेशन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ क्रिमिनल वायलेंस एंड डिमोलिशन दैट फॉलो देम. तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए आपस में, इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट हुआ कोई क्रिमिनल वायलेंस का कोई जाति को लेके और फिर उनके घर डिमोलिशन हो गए. फॉलो देम, एनशू देम, फॉलो देम मतलब उनके, उसके बाद. कैन बी ब्लर्ड, ब्लर्ड मतलब जिसे धुंधला हो सकता है, बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिकरी, जिसको ब्लर किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन की चालों से, ट्रिकरी से. इन मैनी केसेस बैक डेटेड एविक्शन नोटिस, एविक्शन मतलब जो सजा का है, मतलब खाली करने वाला, एविक्शन कोई जगह को खाली करने वाला, एविक्ट कर देना तो निकालने वाला, बैक डेटेड नोटिस दिए गए आर प्रोड्यूस टू जस्टिफाई दैट डिमोलिशन. उन्होंने बोला कि हमने बैक डेटेड में लिख के दे दिए जो हमने कि यहाँ पे मतलब इनको जस्टिफिकेशन के लिए डिमोलिशन किया है हमने, जो इनको पहले नोटिस दिए थे ऐसे दिखे दिए, बैक डेट मतलब पीछे की डेट में साइन करके दे दिए. इवन एज ओबीएस ग्लोटिंग ओवर दी इनहेबिटेंट प्लाइट बिट्रे द पोलिटिकल एंड कम्युनल मोटिव. इन्होंने कहा इवन एज, भले ही, इवन एज भले ही ओबीएस, बिल्कुल सामान्य, ग्लोटिंग, ग्लोटिंग मतलब चीजों को बढ़ाना, ग्लोटिंग, ग्लोटिंग का वर्ड एग्जैक्ट हम जान लेते हैं, ग्लोटिंग का क्या होता है कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, ग्लोटिंग को, ग्लोटिंग का मतलब होता है घूरना या फिर रहना. ड्वेलिंग ऑन वन ओन सक्सेस एंड अनदर मिसफॉर्च्यून विद स्मग्स एंड मलिग्नेंट प्रेजर्स. तो मतलब किसी की दुख पे खुशी बनाना, ग्लोटिंग अकाउंट्स ऑफ हिज ट्राइम्स, वो ऐसे. तो ग्लोटिंग मतलब किसी की, दूसरे की दुख पे खुशी बनाना. वो भी सामान्य ग्लोटिंग ओवर इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट उस घर में रहने वालों की प्लाइट, दुर्दशा, बिट्रे, धोखा देना, द पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कम्युनल मोटिव. तो ये कहने कि भाई भले ही जो सामान्य है, जो उनका दुख मनाना है, ग्लोटिंग मतलब दूसरे के दुख का फायदा उठाना या खुश होना. ओबियस ग्लोटिंग ओवर इनहेबिटेंट, जो घर रहते हैं उन पे या उनकी दुर्दशा है, प्लाइट, उनकी प्लाइट होती है दुर्दशा, बिट्रे, धोखा देना, एंड पोलिटिकल कम्युनल मोटिव होता है इसका. द आइडिया ऑफ डिस्कस डिजिटलाइजिंग एविक्शन नोटिस, जो डिजिटल एविक्शन, घर खाली करने के नोटिस जो है उनको डिजिटलाइज करना, मे एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बैक डेटेड नोटिस. तो डिजिटल में तो आपको पता है बैक डेटेड नोटिस नहीं किए जा सकते, तो डिजिटलाइज कर दो. बट इट नॉट मे बी पॉसिबल टू मेक द ट्रांजिशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो हो सकता है कि
शायद पूरे इंडिया में ऐसा ना हो पाए, ट्रांजिशन करना पूरे पार्ट में डिजिटलाइज को, जो ये नोटिस डिजिटली भेजे, द रियल क्वेश्चन दैट कोर्ट शुड ग्रेपल, ग्रेपल मतलब सामना करना विद इट, वेदर द क्लेम दैट ओनली इंक्रोचमेंट आर बीइंग डिमोलिश इनफ टू जस्टिफाई इग्रीजियस वायलेशन, इग्रीजियस बिल्कुल भयानक तगड़ा वायलेशन हो रहा है रूल ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस इन सेवरल रिसेंट इंस्टांसिस इन यूपी। तो बहुत सारे ऐसे एब्सेंस आ रहा है रियल इंस्टांसिस का यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा एंड दिल्ली में। इट ओट टू बी क्लियर होना चाहिए कि बाई नाउ अब तक दैट रूलिंग पार्टी इन दिस स्टेट्स सीक्स टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। तो रूलिंग पार्टी जो इन स्टेट्स में क्या है पॉलिटिकल राजनीतिक माइलेज मतलब फायदा उठाना चाह रही है बाई गिविंग द इम्प्रेशन, ऐसे सिंबल देके दैट रिजीम इज एक्टिंग ऑन स्टर्नली। तो जो शासन है वो एक्टिंग कर रहा है स्टर्नली बहुत कड़े रूप से अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स इवन वाइल थीनली मास्किंग, ये इसको मतलब बिल्कुल थोड़े थोड़े ऊपर से मास्किंग ढक रहे हैं, द ब्लेटेंटली जो ब्लेटेंटली बिल्कुल क्लियरली कम्युनल एक्शन है बाई पासिंग इट ऑफ, इसको पासिंग इट ऑफ मतलब गुजार के एंड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। तो इसको ऐसे पास करके कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है और ये एक कम्युनल चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, अच्छे वर्ड भी आए हैं, ब्लेटेंटली हो गया, मास्किंग हो गया, ढकना किसी चीज़ को जानबूझ के एक रूप दे देना, डिमोलिश होना, या फिर ग्लोटिंग दूसरे के दुख पे सुख मनाना, या फिर प्लाइट दुर्दशा आदमियों की, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे वर्ड हैं जिनको हम रैली में अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। और ये एक टॉपिक भी है क्योंकि बुलडोजर कंसेप्ट यूज होता है जहाँ पे, उसको कैसे कैसे हम लूप होल्स को क्लियर कर सकते हैं, डिजिटलाइज हम किसी को नोटिस भेज सकते हैं अभी किसी ने नोटिस, तो जिससे क्या पता चलेगा फिर कम्युनल एंगल देना उसको गलत है। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना और लाइक करोगे तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऐसा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।